दोस्तों, मेरा भी आज के बहुत दिन हो गया है, तो आज मैंने सोचा एक वीडियो बनाया था जिसे मैं आज अपलोड करने जा रहा था अपने पीसी से, बट करते करते ये क्या हुआ, मेरे जो जियो फाइबर मैंने एक महीने पहले लगवाया था उसकी नेटवर्क चल गई। मैं तो बहुत परेशान हुआ। अब मैं अपना वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड करने वाला था, ओके डालू कैसे, मैं जियो को कॉल लगाने गया, वो तो कुछ टाइम लगेगा उनको आने में, मुझे अर्जेंटली वीडियो अपलोड करने थे, तो मैं सोचा खुद ही क्यों ना इसे रिजॉल्व करूँ इस प्रॉब्लम को। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे आप घर पे ही खुद ही इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम, इस टाइप का सिग्नल अगर लॉस्ट हो तो आप खुद ही कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, खुद ही घर पे इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं जो सेटअप में लगाया हूँ उसे मैं निकाल लेता हूँ। लेके मेरा पीछे कनेक्शन इसका हो गया, ये लैन केबल से मैंने पीसी में लिया था नेटवर्क, ये वायर हो गया डीसी इनपुट एडाप्टर से, और ये मेरा हो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो चलिए, ये तो मेरा ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो परफेक्टली लगा हुआ है। तो मैं इसे चेक करता हूँ, इसके वायर का ये देखिए, ये फॉल्ट है, इसे चूहे ने काट दिया है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हुआ। ये कुछ देर ठीक चला क्योंकि वो कनेक्ट होगा, ये हिलने की वजह से ये टूट चुकी है। तो चलिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें घर पे ही मैं बताता हूँ, बहुत इजी वे पे। तो सबसे पहले इसे खोल लेंगे, इसे इजीली खोल सकते हैं, बस इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचना है, ये निकल गया, ये देखिए। मैं तो क्लियर कर लेता हूँ अपना जगह को, इसे थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। देखिए पूरी तरह से कट चुकी है वायर, इसे अच्छे से दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसे आपको दिखाता हूँ, इसको रिजॉल्व कैसे करें, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से ब्रेक हो चुका है, इसके अंदर एक पतली सी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है जिससे हमारा सिग्नल जाता है, वो देखिएगी नहीं, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, जिससे हमारा लाइट के सिग्नल जाती है। तो चलिए, सबसे पहले इसे हम ओपन करेंगे, ओपन करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे इस तरह से, इस तरह खींचेंगे पीछे की तरफ, ये ओपन हो गया, ये देखिए इस तरह, इसके अंदर ही ऑप्सी केबल डाली हुई है, इसे खोल लेंगे इजली इस तरह से। तो मेरा खुल गया, देखिए ये है ऑप्सी केबल, देख लिया, इसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा कनेक्टर है जो कि एक बटन की तरह है, ऐसे पीछे करेंगे तो ये खुल जाएगा और ये आगे से लॉक होता है। तो सबसे पहले मैं इस वायर को यहाँ से हटा देता हूँ काट के, कैंची की मदद से या किसी से भी काट सकते हैं। ये देखिए पूरी एकदम शार्प मैंने काट लिया, पूरे एकदम क्लियरली। अब इसे हम बीच से दो फाड़ेंगे, मतलब इसको ब्लेड की मदद से किसी की हेल्प से इसे इस तरह से अलग करेंगे। ये जो बीच में है पतली सी, यही हमारा केबल है, इसी से ही हमारा
ऑप्टिकल फाइबर केबल यही है, इसी से हमारा लाइट जाता है, लाइट की मदद से सिग्नल कनेक्ट होती है। तो यह कवर चढ़ा हुआ है इसलिए ब्लू दिख रहा है, इसे हम अच्छे से एक मोड़ से नाप लेंगे, हमारे यहाँ तक रहेगा, ठीक काट है। इससे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक लेंगे, ये देखिए ये ऑप्शन केबल है, वो कवर था, ये मैंने इसको से कवर को हटा दिया, ये अभी से है, इसमें से अभी लाइट जा रही है, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है कि मैं चेक करके दिखा दूँ, और सिग्नल इसमें है। चलिए अब इसे मैं इस पर कनेक्ट करूँगा इसके कनेक्टर से, तो इसे थोड़ा सा मैं काट लेता हूँ इस तरह। देखिए अब इसे इस कनेक्टर में अच्छी तरह से घुसाएंगे, ये इस तरह इसमें घुस जाएगा, ठीक है। इसे हम लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया, ये हो गया। अब मैं इस क्लिप को अच्छे से लगा देता हूँ, लग गया, अभी मेरा जैसे था वो ढक्कन के वो वापस लग गया, ये देखिए वो हो गया। अब मैं इसे इसमें इंस्टॉल करूँगा जहाँ पे लगा हुआ था, लग गया। वेट करेंगे, यह हमारा नेटवर्क आ चुका है।